अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिजाइन ऑफ फ्लेंज, डिजाइन ऑफ फ्लेंज। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। फ्लेंज का जब हम डिजाइन करेंगे इस फ्लेंज का डिजाइन करेंगे, तो भाई साहब हमें थोड़ी सी इसके केयर करनी पड़ेगी। क्या केयर करनी पड़ेगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी कमजोर कड़ी कहाँ है। तो कमजोर कड़ी की बात करें तो ये टूटेगा कहां से? तो जो फ्लेंज है वो हमेशा ज्वाइंट से टूटता है। कहां से? यहां से टूटता है, यहां से, हब से, यहां से टूटता है। जब भी टूटता है तो यहां से टूटता है। तो ये कभी मतलब ये जब प्रैक्टिकल में देखें तो हमारे पास प्रैक्टिकल में जब आता है तो ये हमेशा यहीं से टूटता है। अगर ये यहां से टूटता है भाई साहब, तो हम यहीं से इसका डिजाइन कर लें तो हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें इसमें देखना पड़ेगा कि जब ये घूमेगा तो इसमें शियर स्ट्रेस लगेगा। ये घूमेगा ना, देखो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। ये ज्वाइंट यहां से शियर स्ट्रेस लगाएगा, शियर स्ट्रेस लगाएगा तो ये टूटेगा भाई साहब। ये कहां से टूटेगा? देखो ये इस तरह से लगा दीजिए, ये हब है और ये ऊपर फ्लेंज है, ये ऊपर फ्लेंज है। ये जब टूटेगा यहां से ये वाला एरिया टूटेगा बेटा, ये वाला एरिया टूटेगा। तो ये एरिया जब टूटेगा, मैं आपको कोशिश करता हूं कि यहां पे कुछ दिखा सकूं। ये देखिए, ये हमारे पास एरिया जो होगा ये टूटेगा इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है? आप समझ सकते हैं इस चीज को? आप अगर विजुलाइज कर पा रहे हो इसको कि ये यहां से टूटेगा इस तरह से, तो आपको सारी चीज समझ आएगी। इसी तरह ये पूरा ऐसे घूम के टूटेगा, घूम के टूटेगा। और ये जब हमारे पास यहां पे होगा तो इसकी थिकनेस लेनी पड़ेगी। ये थिकनेस पता है कितनी है? ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। ये कितनी थिकनेस है इसकी? थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। और ये पूरा अगर देखें तो ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। किसका है? हब का ही तो है। देखो हब का सर्कमफ्रेंस है ये देखो, हब का ही सर्कमफ्रेंस है ना ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हब का सर, इसमें एरिया, मैं सबसे पहले यहां पे एरिया ही लिख रहा हूं। एरिया जो टूटेगा वो यहां पे लिख रहा हूं, एरिया जो टूटेगा यहां पे लिख रहा हूं। कैसे? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या आ गया? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है? लेंथ। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ तो आ गई, लेंथ तो आ गई, ब्रेथ हमें टी एफ। बस इतनी सी बात समझनी है। अगर ये बात समझ आ गई तो ये हो गया डिजाइन ऑफ फ्लेंज, खत्म हो गया। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। और यहां से ही टूटेगा और जब घुमाएंगे तो यहां से टूटेगा। ये बात थोड़ी सी समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो यहां पे भी देख सकते हो आप। ये देखो ये है हमारे पास, ये मान लीजिए ये इस तरह से ये पार्ट है, ओके, और ये पार्ट है इस तरह से, और ये है ऊपर फ्लेंज। तो ये जब टूटेगा भाई साहब, ये देखो ये वाला एरिया, कौन सा एरिया? ये देखो ये वाला एरिया, ये एरिया टूटेगा। अब तो समझ आ गया होगा। ये लेंथ इंटू ये वेड़, लेंथ क्या है? 2 पाई आर इंटू ये वेड़ टी एफ, ये टूटेगी। बात थोड़ी समझ आई? विजुलाइज हुआ, क्यों? विजुलाइज ना हुआ तो भाई ये फॉर्मूला नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू आर, ये बनेगा डी, तो पाई डी बन जाएगा इंटू टी एफ। बस इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और ये फोर्स लगती है, जब जब ये फोर्स लगेगी तो ये हब के ऊपर ही लग रही है सारी की सारी फोर्स। तो हमने जो भी इसमें फॉर्मूला लेना है हब के हिसाब से लेना है। तो इसका डायमीटर डी लिया था हमने, इसका डायमीटर डी लिया था ना, याद है आपको? डायमीटर क्या लिया था? डी। तो हब के हिसाब से आपको फ्लेंज जब भी आता है तो आपको हब के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी है, ओके। तो इसको हम करते हैं डिजाइन ऑफ फ्लेंज, डिजाइन ऑफ फ्लेंज। तो फ्लेंज का हम डिजाइन करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? टॉर्क। टॉर्क होता है भाई फोर्स इंटू रेडियस, तो रेडियस आएगा d/2। तो हब का लिया ना मैंने, हब का, इसीलिए हब का लिया। तो हमारे पास देखिए शियर स्ट्रेस, इसमें क्या लग रही है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया इस साइड ले जाइए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फोर्स। तो एरिया हमने पहले ही निकाल लिया भाई, एरिया निकाला ना अभी 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 तो निकाला। तो ये हमारे पास एरिया क्या था? हमारे पास ये था टी एफ और पाई डी, पाई डी इंटू टी एफ, ये था हमारे पास फॉर्मूला।
ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के, तो ये पुट कर दीजिए यहां पे, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास पाई डी इंटू टी एफ इंटू शियर स्ट्रेस इंटू डी बाय टू, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से कर लेंगे, हमारे पास ये हमारे पास आ गया, और यही फॉर्मूला हमने यूज करना है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी फॉर्मूले को फाइनल कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को फाइनल कर लीजिए, ठीक है, इसी फॉर्मूले को फाइनल कर लीजिए, और ये हमारे पास इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसे, समझ गए बेटा। और इसमें एक और चीज नोट करना, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज वो भी अगर निकालने को हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो हमारे पास है d by 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला थिकनेस ऑफ फ्लेंज के लिए d by 2, ये शाफ्ट का डाया, यहां पे जो भी लेंगे हब के हिसाब से लेंगे, तो प्लीज इसको समझ ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजाइन ऑफ बोल्ट, डिजाइन ऑफ बोल्ट ये सबसे आसान है, डिजाइन ऑफ बोल्ट कि बोल्ट का डिजाइन किस तरह से किया जाए। तो बोल्ट हमारे पास कहां पे लगे हुए थे बेटा, ठीक है, बोल्ट लगे हुए थे हमारे पास, ये देखेंगे तो ये देखिए ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये जब घूमेंगे, देखो ये जब घूमेगा तो बोल्ट ही सारा भार उठा रहे हैं, पता है, सारा जोर जो है एक्चुअल में सबसे पहले कौन बर्दाश्त करेगा, वो करेगा बोल्ट, ठीक है, क्योंकि भाई साहब बोल्ट इस तरह से घुमाना है, सबसे पहले बोल्ट हिलेंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे तो बोल्ट टूट सकते हैं, बोल्ट क्या टूटेंगे गोलाई में, तो वो क्या आ जाएगा, उसका सर्कुलर एरिया आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी सी अगर आपको बात समझ आएगी तो काम अभी खत्म हो जाएगा, अगर आपको ये बोल्ट का समझ आ जाएगा सब, ठीक है, अगर बोल्ट के बारे में ये पता लग गया। देखिए जैसे ही इस तरह से शियर स्ट्रेस लगती है, जैसे ही शियर स्ट्रेस लगेगी तो बोल्ट के ऊपर जोर पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है, एरिया इस साइड ले आए तो एरिया हमारे पास एक इस साइड फोर्स। अब शियर स्ट्रेस जो है बोल्ट का, तो उसके लिए बी लिख लीजिए बोल्ट, क्योंकि बोल्ट अलग मटेरियल का बना हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास पाई बाय 4 डी सी का स्क्वायर, डी सी क्या है, हमारे पास कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये किसके ऊपर लोड पड़ रहा है, ये पड़ रहा है एक बोल्ट पे, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट होते हैं, हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो कौन डिसाइड करे, तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपका डाया के अकॉर्डिंग, अगर आपका डाया 40 mm तक का है, अगर आपका डाया 40 mm तक का है, तो आपका जो n नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे वो 3 लगेंगे, वो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। और अगर मेरे पास डायामीटर जो है वो 100 mm का आ गया, 100 mm का आ गया, तो ये नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे वो 4 लगेंगे। अगर ये डायमीटर 180 mm तक का हुआ तो वे मेरे पास जो आएगा वो आएंगे 6 बोल्ट लगेंगे, सॉरी, ठीक है, 6 बोल्ट लगेंगे यहां पे, तो इसके लिए 6 बोल्ट हमारे पास लगेंगे, इसको याद कर ले। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल लोड जो होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, कितने नंबर ऑफ बोल्ट हैं, सबके हिसाब में सब में बट जाएगा, ठीक है, इंटू n कर देंगे, बस n नंबर ऑफ बोल्ट, तो सब में ऊपर लोड लग रहा है। अब देखिए हमारे पास ये जो लोड लग रहा है, देखिए आप इसमें टॉर्क जो ट्रांसमिट होगी ना, जो हमारी टॉर्क ट्रांसमिट होगी वो होगी यहां पे, देखो ये डायमीटर जो है ना, ये वाला डायमीटर, इस डायमीटर को हमने मेन लेना है। अब ये डायमीटर जो है हमने d1 लिया था, तो ये डायमीटर जो है हमारे पास d1 हमें यूज में लाना है, तो हमारे पास कैसे होगा, देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, लेकिन रेडियस लेना है d1 by 2, बस इतनी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है वो कौन से रेडियस से हो रही है, क्योंकि बोल्ट कहां पे है, बोल्ट तो यहां पे, इसको कहते हैं पीसीडी, d1 को कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है, पीसीडी, और ये पीसीडी हमारे पास d1 है, तो वो वहां से जोर लग रहा है, इसलिए हमने फोर्स इंटू ये रेडियस कर दिया, ठीक है, क्योंकि बोल्ट जो जोर लगा रहे हैं वो वहां पे लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखें तो फोर्स, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, ये देखिए, ठीक है, मैं दिखाता हूं दोबारा आपको, तो या वहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर लिख लेते हैं। तो टॉर्क हमारे पास कैसे आ जाएगा, यहां पे देखिए
टॉर्क हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स इंटू रेडियस। अब देखिए फोर्स हमने यहां से निकाला था, तो फोर्स हमारे पास यहां पे सीधा हमने पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाय फोर डी सी का स्क्वायर, ठीक है, डी सी का स्क्वायर इंटू टाउ बोल्ट का और साथ में एन और साथ में डी वन बाय टू। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, ये आ जाएगा बोल्ट के लिए, ये आ जाएगा बोल्ट के लिए। प्लीज इसको लिख लीजिए और इस बोल्ट के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये देखिए, ठीक है, आई होप कि आपको डिजाइन ऑफ प्लेन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दो यार, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको समझ आया या नहीं आया। पूरा मशीन डिजाइन का सिलेबस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके पूरा कोर्स ले सकते हैं और SSC JEE की तैयारी मेरे साथ करिए। अभी आज से ही ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।